पहले हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे यूआरएल रजिस्ट्रेशन के लिए। ये हमारा क्रोम ब्राउजर है, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे यूआरएल, URISE। यूआरएल को यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एक बार। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सेलेक्ट करेंगे आईटीआई को और इनरोलमेंट नंबर में हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करेंगे जो कि नंबर होगा 16 37 28 20 71 9009। इस प्रकार से सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो जिसका होगा वो अपना इनरोलमेंट नंबर अपना दर्ज करेगा और डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, जो जिसका डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट में जितना होगा उस रिजल्ट के हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देगा अपना डिटेल खुल जाएगा। देखिए जैसे लिखा हुआ स्टूडेंट नेम संजीत कुमार, कुमारी देवी फादर्स नेम, कोर्स और इंस्टीट्यूट, तो सभी को अपना ये डिटेल मिला लेना है और डिटेल मिलाने के बाद एक यूजर आईडी भरना है। यूजर आईडी में हम अपना नाम भर लेते हैं, अपना नाम यहाँ पे भर लेते हैं और कोई भी यहाँ पे डिजिट भर लेते हैं और ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी हम भरेंगे, जो भी ईमेल आईडी होगा आपका वो ईमेल आईडी आप इनपुट कर दीजिएगा यहाँ पे। ईमेल आईडी भरने के बाद मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड ओटीपी। अब हम यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। देखिए ओटीपी यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ओटीपी हम नोट कर लेंगे 2489 45। वही ओटीपी यहाँ पे डालेंगे हम 2489 45 2489 45। ओटीपी को डाल के यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देगा सक्सेसफुल। इसके बाद हमें क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। अब हम सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड हमको दे दिया, सक्सेस कॉन्ग्रेचुलेशन है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, यूजर आईडी इतना दिया गया है और पासवर्ड हमारा इतना दिया गया है। तो इसको हमें स्क्रीनशॉट करके अपने मोबाइल में रख लेना है और कहीं भी एक कॉपी पर इसको नोट कर लेना है। अब इसके बाद हमें लॉग इन नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ लॉग इन नाउ पर क्लिक करेंगे और यूजर आईडी और पासवर्ड आपका जो भी है यहाँ पे इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये जो कैप्चा नीचे दिया हुआ है यहाँ पे इसको भरने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए आपका जो सभी डिटेल है वो खुल जाएगा यहाँ पे, अपना प्रोफाइल वगैरह हर चीज यहाँ से देख सकते हैं आप, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा डिटेल खुल गया पूरा और भी जितने भी इसमें फंक्शन है वो कई सारे फंक्शन है, रिजल्ट वगैरह। देखिए अगर रिजल्ट आएगा तो यही माई रिजल्ट पे आएगा, एग्जामिनेशन हो गया और वीडियो लेक्चर वगैरह यहाँ से भी हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो इस वीडियो में बस यही बताया गया है कि रिलाइज का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है।